इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 150 से 160 सीटें आने का दावा। विधानसभा क्षेत्र करैरा से जिला कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष रचना शेर सिंह ने कहा, एक स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यदि विधानसभा क्षेत्र करैरा की जनता एवं पार्टी मुझे सेवा का अवसर दे तो मैं इस क्षेत्र की भरपूर सेवा करूंगी। उन्होंने सबसे पहले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर कहा कि उन्हें ब्रिटिश सरकार ने मात्र 30 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दे दी थी। ऐसे महापुरुष को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात क्षेत्र के समस्त पत्रकारों का फूलमाला से स्वागत किया। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 150 से 160 सीटें आने का दावा किया। देखिए प्रेसवार्ता में श्रीमती रचना शेर सिंह ने क्या कहा। संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। विधायक जो भी रहते हैं उनसे कह लिए, मंत्री से रहे, सांसद से कह लिए, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही। क्या आप समस्या पर गौर करेंगे? अभी तक आपने कहीं इस बारे में कोई पत्र लिखा क्या? पत्र लिखा क्या? नहीं नहीं, अभी मैंने इस बारे में क्षेत्रियों की समस्या की मांग आपने रखी कहीं क्या? अभी मैंने इस बारे में पत्र नहीं लिखा है, लेकिन आगे मैं इस बारे में बिल्कुल पूरी तरह से कि यहाँ पे महिला चिकित्सक होनी चाहिए और जो लड़कियों की जो समस्याएं हैं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि छात्रावास, इससे पहले मैंने एक समस्या उठाई कि छात्रावास को कन्या छात्रावास में के पास में जो शराब की जो दुकान खुली गई थी, तो उसके संबंध में मैंने समस्या को उठाया था। ऐसा नहीं है, वो समस्या आपने उठाई, हल हुई या नहीं? वो आज भी दुकान खुली है? नहीं, दुकान खुली है, लेकिन वो अभी क्या है, छात्रावास बंद रहता है, कन्याएं नहीं आती। उस समस्याओं के लिए जैसे ही कन्या हमारी आएंगी, हम 20 जून से आ जाएंगे। आज बिल्कुल हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। यानी आप जो है कितनी जून से कर देंगे? 20 जून से छात्रावास खुल रहा है, छात्रावास 20 जून से खुल जाएगा, जल्दी करेंगे। नहीं है, कम से कम 20 साल से नहीं है। आप अगर इसका अनुरक्षण करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि जो विद्यालय होते हैं शासकीय विद्यालय, उनसे ज़्यादा हालत खराब है। मैं जो पिछड़ों बगल विधानसभा उसमें तो है पीजी कॉलेज, है पीजी कॉलेज भी नहीं, उसके बाहर जाने पड़ेंगे। शौचालय तक नहीं है कॉलेज में, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। महिला शौचालय तक नहीं है आपका, ये गार्डन बनाने के लिए फंड निकाल लिया। सबसे पहले तो मैं ना, अगर मैं विधायक करती हूँ तो चूंकि मैं महिला हूँ, मैं नारियों के, लड़कियों के जो उनकी मूलभूत समस्याएं होती हैं उनको लेकर उसमें सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ। जितनी भी जो उनको समस्याएं जाती हैं, जैसे कि स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, उन्हें काफ़ी दूर, कई कई गांव में ऐसे हैं कि 8वीं तक स्कूल है, उसके आगे स्कूल नहीं है। कई कई घरों के जो पुरुष हैं वो यानी अपनी लड़कियों पर ही विश्वास नहीं करते, उन्हें 1-2 किलोमीटर स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि हर गाँव में, जो हमारे गांव है उसमें कम से कम 12th तक के स्कूल तो हों जिससे कि लड़कियां शिक्षित हो सकें। तो मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा लड़कियों का। मेरे ख्याल से जैसे ही सरकार आएगी तो हल हो जाएगी, ये समस्या इतनी ज़्यादा वो नहीं है। खाद की समस्या हालांकि बनी रहती है हर समय, जब भी हमारी फसल का समय आता है उस समय, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद शायद चाहे आप नामांतर करवा दी, कुछ भी काम करवाइए, सेवा शुल्क आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर आप विधायिका बनती हैं कि तो क्या कुछ करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगी या कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ऐसा अगर कोई काम हो रहा होगा तो उसको ही हटा के, हम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको हटा के, हम जो स्वच्छ हमारे वो हैं अपने अधिकारी पोस्ट, उस पोस्ट पे जो रहेंगे अधिकारी उनको हम लेके आएंगे। सबसे पहला कदम तो हमारा यही रहेगा जिससे कि भ्रष्टाचार खत्म। जब मैं अभी दोबारा पुनः आई तो यहाँ की जो अव्यवस्थाएँ हैं, कई चीज़ें हैं जो लोगों को समय पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, जैसे कि किसी के वोटर कार्ड नहीं बने, किसी के राशन कार्ड नहीं मिल पाएंगे, किसी की और समस्या है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है करेगा,
इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। करेरा विधानसभा में करेरा तालाब है, करेरा बीच में कौन सा तालाब, कौन सा तालाब है? तो उस तालाब में जो इस समय गंदगी का पार हो रहा है, तो बहुत बड़ी यानी हमारे जो करेरा क्षेत्र का सुंदरता है, सौंदर्य उसको खराब किया। सबसे बड़ी समस्या तो वही है, तालाब की समस्या बड़ी लगती है। तालाब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में से कोई समस्या? ग्रामीण क्षेत्र में तो समस्या ये है कि जैसे कि कई जगह पे कुटीर नहीं बने लोगों की, जैसे अभी ओलावृष्टि हुई थी कुछ समय पहले की बात है, ओलावृष्टि हुई थी तो लोगों को उनका किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा, ग्रामीणों की जो समस्या है। ये अभी जो मध्य प्रदेश दोनों योजनाओं में से कौन सी किसकी योजना वो ठीक मानते हैं? कांग्रेस सरकार की योजना कोई सही मानी? कांग्रेस सरकार तो अभी है नहीं, लेकिन वर्तमान, लेकिन जब सरकार आएगी आएगी तब क्या फ्री में बांटना, सरकार द्वारा जनता के लिए फ्री में बांटना, ये उचित है या अनुचित है? नहीं, फ्री में नहीं बांटा जा रहा, ये नारी के सम्मान के लिए फ्री में नहीं दिया जा रहा, ये नारी का सम्मान किया जा रहा। नारी का सम्मान से रोजगार देके किया जा सकता है? जी जी, है ना, वो बीजेपी सरकार क्या कर रही है ये हमें नहीं पता, वो उनका तो शुरू से एजेंडा यही रहता है कि नहीं हमें चुनाव इसी उस पर जीतना है, लेकिन कांग्रेस का जो है उनका शुरू से ये रहता है कि वो नारियों का किस तरह से सम्मान करें। उन्होंने जैसे ही सरकार आई उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, आपको मालूम होगा जब हमारा पहली जब हमारी सरकार बनी थी उस समय पर जैसे ही सरकार आई कमलनाथ जी की उन्होंने तुरंत किसानों का कर्जा माफ़ किया। अभी भी उन्होंने जैसे योजना बनाई थी 100 यूनिट तक की, और इसी तरह से ये जो योजना उन्होंने चलाई है वो नारियों के सम्मान के लिए चलाई है। अब जैसे फ्री बिजली का आपने बोला, तो यदि सारी चीज़ें फ्री फ्री करते हैं तो व्यक्ति निकम्मे नहीं हो जाएंगे इससे? क्यों निकम्मे? ये किसी व्यक्ति को घर बैठ कर ये पैसा आने लगेगा तो व्यक्ति काम करेगा क्या? उन लोगों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है, आप लोगों को नहीं लगता? या तो फिर आप वही बात कह रहे हैं कि आप या फिर जनता के बीच में जा भी रहे हैं। मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, हम आप पर सीधा आरोप नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप चले जाओ सुनने में आया है सस्पेंड है, क्या किस बात को लेकर सस्पेंड है वो? जी वो सस्पेंड नहीं है, कुछ कुछ ना कुछ है उसमें। मंत्री की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई है जी, कि उन्होंने उनके खिलाफ जो एक केस हुआ था 420 का केस था उनके गृह मंत्री के खिलाफ, और ऊपर से हाईकोर्ट से वो केस आया हुआ था जिसपे उन्हें जवाब देना था, तो उस जवाब को उन्होंने दिया तो उसके संदर्भ में उन्हें पहले कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया और उसके बाद में फिर उन्हें टर्मिनेट कर दिया। और उस बीच में जब ये इलेक्शन आए थे जो हमारे उपचुनाव हो रहे थे उस समय, तो 2018 के चुनाव के समय की बात है, उस समय पे गृहमंत्री चुनाव लड़ रहे थे तो उनका ये कहना था कि आप जो दारू पकड़ी गई थी चुनाव आयोग के द्वारा दो ड्रग दारू पकड़ी गई थी, तो उसके संदर्भ में उनका कहना था कि आप उसको छोड़ दीजिए उन सबको, लेकिन मेरे पति देव ने अपनी पुलिस की सेवा में रहते हुए अपने पद का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए अपना कार्य किया जिसकी उन्हें सजा दे दी गई कि आज वो बर्खास्त। यानी ईमानदारी की सजा आपके पति को दी गई? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें अपनी ईमानदारी की सजा। यदि आपकी सरकार आती है तो क्या आप अपने पति को बहाल करने का प्रयास करेंगे? मैं ही क्या, मेरे को लगता है सारी जनता प्रयास करेगी, और मेरे को लगता है सबसे पहले आप भी प्रयास करेंगे। चलो धन्यवाद। मानती है पार्टी उनको छोड़कर के आपको टिकट देगी? ये तो जनता निर्धारित करती है, टिकट देने का कार्य जनता नहीं पार्टी करती। हाँ, पार्टी करती है जी। तो पार्टी इस समय पे ये देख रही है उनमें क्या कमी दिखाई दे रही है विधायक जी में आपको, कि आपको टिकट दिया जाए? मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, वो इस समय के वर्तमान विधायक है, मैं उनकी ये नहीं कह रही कि उनमें कोई कमी है। ये पार्टी का स्वतः विवेक का काम है कि वो किसको टिकट दे और किसको टिकट ना दे। यदि उनको टिकट मिलता है तो क्या आप उनका सहयोग करेंगे चुनाव में? बिल्कुल, उनके अलावा अगर किसी और को भी अगर टिकट पार्टी देगी तो हम उसको भी सहयोग।
अगर हम जनता अगर हमें समझती है और हमें चुनना चाहती है तो क्योंकि जनता ही हमें बनाती है, विधायक या किसी पद पे बैठाती है, तो ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें बैठाना चाह रही है या किसी और को बैठाना चाह रही है। हालांकि हम उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनके जो अभी उनके जो मूलभूत समस्याएं हैं चल रही हैं उनको निराकरण करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो भी वहाँ पे अधिकारी है अगर वो भ्रष्टता में लिप्त पाया जाता है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम उन्हें वहाँ से हटा के हम जो स्वच्छ पदाधिकारी है जो इसमें लिप्त नहीं है भ्रष्टाचार में उनको यहाँ ले। वो तो ये जब आपकी सरकार आई आप विधायक बने, प्रेजेंट पोजीशन में आप क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया था कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ जाएगी आवाम। ये उनका मत है कि पत्ते की तरह चले जाएगी, हम नहीं कह रहे है ना। हमारा मत तो ये है कि कांग्रेस सरकार आएगी और 150 से 160 सीटों पे आएगी है ना। कह रहे हैं कि पत्ते की तरह चली जाएगी, वो गृह मंत्री भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, उनकी सीट भी वो अपनी बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, वो सेवा में है।